हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं आपका राजीव, मैं इनकी जैज। आप सबका स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ हमें भी नहीं पता, बस निकल दिए हैं। क्लाउडी सा मौसम है, न्यूजीलैंड में चल रहा है लॉन्ग वीकेंड। और लॉन्ग वीकेंड पे बहुत से फंक्शन वगैरह, जो मेले वगैरह लगते रहते हैं, तो पहले हैवलॉक चलकर देखते हैं। अगर हमें भी कुछ देखने को मिला, घूमने को मिला, तो आपको भी दिखा देंगे। हम चारों जा रहे हैं, मैं, सहज, बानी और उसके पापा। हाँ, तो दो जो है पीछे शायद दिखाई ना दे रहे हो, एक इधर बैठा है, एक उधर। तो दोनों खा पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं अपनी। तो आप देख लीजिए बाहर कैसा है आज का मौसम। नोटिस किया, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ना। हाँ, लॉन्ग वीकेंड पे होता है ना। यूजुअली संडे को ना, जब हेस्टिंग्स से हैवलॉक पास में ही है, ये दूसरा शहर हमारे, तो इतना ट्रैफिक नहीं रहता, लेकिन आज काफी है। बहुत इंटरसिटी लोग ट्रैवल करते हैं ना। वेलिंगटन से कितने आए होंगे, ऑकलैंड से, बाहर से बहुत। ये देखिए साइकिलिस्ट कितने जा रहे हैं रोड पे। और यहाँ पे नेचर का बहुत है ना, क्योंकि बड़े बड़े सिटीज में इतनी नेचर नहीं होती ना, फिर यहाँ पे आके एक्सप्लोर करते हैं सारे। वेदर भी अच्छा रहता है, लेकिन आज तो शायद रेन बताई शाम को, देखो बाकी के नहीं। हाँ, कल बहुत गर्मी थी, शुक्र है आज इतनी गर्मी नहीं है। अच्छा वेदर है वैसे घूमने के लिए आज। वो तो कैन यू हेल्प पानी, मतलब पानी की कमी गिर गई। इट्स राइट देयर, बट राइट बाय पानी, इस फोटो को देखो। ओह, गुड बेबी है। यस, यू आर वेरी गुड पापा। हां जी, इतने देखिए, ये है जी तंबू वगैरह लगे हैं, वो बाउंसिंग कैस्टल है। तो देखते हैं चल के वहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे जिप्सी फेयर में चल के। तो इस वीडियो में आपको देखने को पता चलेगा कि जो न्यूजीलैंड में मेले लगते हैं या प्रदेश में मेले लगते हैं, वो कैसे होते हैं। ये देखिए, ये सामान इन्होंने बेचने को लगा रखा है, कपड़े वगैरह हैं, क्योंकि इस मेले का नाम है जिप्सी फेयर। तो उसी हिसाब से ही ना, ये जो घूमने व फिरने वाले लोग होते हैं, तो उनका मेला है, तो उनके स्टाइल का ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। ये बच्चों के लिए, ये देखिए, ये हमारे पंजाबी हैं तो जो उछल कूद कर रहे हैं, ये देखिए। तो बच्चों के लिए आपको यहाँ पे बहुत सा सामान मिल जाएगा। इस मेले में लाइव म्यूजिक भी चल रहा है, तो जैस कह रही है सहज को के जाओ उस लेडी को पैसे देकर आओ। तो ऐसे ही हम सहज को ट्रेन कर रहे हैं ताकि इसमें कॉन्फिडेंस आए आगे बढ़ने का, खुद चीज़ें करने का। तो उस बच्चों को ऐसे ही हम ट्रेन, लेकिन सहज जो शाही बेबी है। ये जो है ज्वेलरी की शॉप है, ये ज्वेलरी थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगा के चलिए। तो ये देखिए फिर वही लेडी जो दूर से मैंने आपको दिखाई थी, म्यूजिक वाली, लाइव म्यूजिक वाली। यू वांट टू पेंट योर फेस, ओके वी विल गो देयर सून, ओके। फोन की बाय करना फिर, ओके। तो अब बन रहा है जी सहज का कैंडी फ्लोस। तो इस कैंडी फ्लोस के हमने $5 दिए हैं। तो आगे फिर बढ़ चले हैं हम, ये देख लीजिए कुछ और शॉप्स देख लीजिए। तो अलग अलग तरह की है, सारा पुराने तरह का सामान है। यहाँ पे आगे आके फिर बच्चों के लिए गाड़ी वगैरह इन्होंने बनाई हुई है, जिसमें बच्चे राइड ले रहे हैं और सहज हमारी खा रही है कैंडी फ्लॉस। ये कुछ हार्डवेयर का सामान आ गया। वहाँ पे फिर बच्चे जो हैं आपको दूसरी तरफ दिखाई दे जाएंगे। अब बानी को देख लीजिए, इसको भी सामान को टच करना है। मैं इसे बहुत रोक रहा हूँ, लेकिन ये है कि उस तरफ भी आगे जा रही है, उस तरफ आगे जा रही है। पॉम्सी कैसल भी है इसमें। और अब ना सहज ने कराना है फेस पेंट। तो ये देखिए, ये लेडी करेंगी, ये भी $5 में ही है फेस पेंट, जो सहज के किया जा रहा है। तो ये देखिए कितना सुंदर, सहज फेस दिखाओ। तो हमने जी मेला देख लिया है, अब जा रहे हैं गाड़ी की ओर, देखते हैं आगे का क्या प्लान है। मेले में हमने बता लिए 2 घंटे। देखिए सहज ने भी फेस पेंट करा लिया है। सहज ने अपने पैसे स्पेंड कर दिए, बानी ने अभी भी अपने पैसे बांध रखे हुए हैं। हाँ, बानी के पास $5। देखिए कितने ध्यान से बानी देख रही है कि $5 में क्या क्या बना हुआ है। तो जी अब विचार हुआ है कि सहज ने खाना है मैकडोनल्ड, है ना सहज? तो हैवलॉक शहर में एक मैकडोनल्ड भी है, मैकडोनल्ड लेते हैं। एक कमरे हैं जी हम हैवलॉक शहर में, देख लीजिए छोटा सा विलेज सा है। तो यहाँ पे अब चलते हैं मैकडोनल्ड की ओर।
तो मेला काफी, जो जिप्सी वाला ही था सारा कुछ, आपने देखा होगा जिप्सी वाले कपड़े थे, जिप्सी वाली उनकी आइटम थी बेचने के लिए। तो एक जिप्सी जो थीम था उनका, शायद वो खुद भी जिप्सी होंगे क्योंकि जो फेस पेंट कर रही थी लड़की, जब सामान बेच रहे थे उनके कपड़े भी सारे जिप्सी वाले ही थे और खुद भी वो जिप्सी ही लग रहे थे। जिप्सी हम जो हिंदी में जिनको बंजारे कह देते हैं, जो के छत के नीचे नहीं रहते, तो वैसे ही यहाँ पे जिप्सी होते हैं। ड्राइव थ्रू के जरिए मैकडोनल्ड में हमने सैज के लिए बर्गर का दे दिया है ऑर्डर, तो यहीं से ही निकल जाएंगे, अब अंदर नहीं जाएंगे, अंदर बैठ के खाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा क्योंकि जैस बता रही है कि एक और जगह हम जा सकते हैं आज। लो जी, मिल गया है हमको मैकडोनल्ड सहज को, और हमने तो भाई पहले ही फुल है, खाना खा लिया था, रोटियां खाई हैं हमने राजमा की सब्जी के साथ। तो हाँ, हमारी थोड़ी सी कसर बची हुई हम निकाल रहे हैं। ट्रैफिक है बहुत भाई यहाँ पे, आज तो यहाँ से निकल ही नहीं रो रहा। लो जी, ओहो ये वाइपर कैसे चल गए, इसके वाइपर उल्टी साइड हैं, दूसरी गाड़ी के उल्टी साइड हैं, तो जब इंडिकेटर देना होता है तो गलती से वाइपर चल जाते हैं। तो एक और जगह पे पहुंच गए हैं, जैस और बच्चे इतने एक्साइटेड थे पहले ही चले गए हैं। यहाँ पे ना एक छोटी सी ट्रेन चलती है, हेवलॉक नॉर्थ में ही है अभी, तो छोटी सी ये ट्रेन है उसमें हम बच्चे भी बैठा सकते हैं और खुद भी बैठ सकते हैं, छोटी छोटी ये पटड़ियाँ बनाई हुई हैं, बहुत ही फन होने वाला है। तो वहाँ पे चलते हैं, मैंने उनको बोला कि जाओ आप जल्दी से टिकट ले लो और मैं आता हूँ पीछे पीछे आपके, तो मैं भी उनके पीछे पीछे अब जाता हूँ। ये ट्रेन है जी, यहाँ देखिए, तो हमने टिकट लेके हम भी बैठ चुके हैं ट्रेन में। ये देखिए बानी मेरे आगे बैठा हुआ है और पूरा मस्ती कर रहा है, हम बैठे हैं सबसे आगे। ये ट्रेन वो बता रहे थे कि 20 मिनट से आधे घंटे का जो ट्रिप है वो घुमाती है, और देखते हैं, कहते हैं कि सुरंगें भी आती हैं रास्ते में, देखते हैं अगर आती हैं तो। पटड़ी देखिए ज़मीन से थोड़ी उठाकर बनाई हुई है, कोई ज़्यादा बड़ी ट्रेन नहीं। ये देखिए सुरंग आ चुकी है, कोई ज़्यादा बड़ी ट्रेन नहीं है, इसमें 8 से 10 लोग बैठते हैं। और देखिए सामने टॉय भी रखे हैं, ये जो लेडी आपको दिखाई दे रही है ना, ये हमारी ट्रेन की ड्राइवर है। मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि सिर्फ बच्चे ही बैठते होंगे इतनी छोटी सी ट्रेन में, लेकिन उन्होंने हमें भी अलाउ कर दिया और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, सच में वर्थ है ऐसी ट्रेन, मैं कहता हूँ कि मज़ा आ जाता है। देखिए कितने सुंदर सुंदर ना वहाँ वादियाँ कह लीजिए, कितना न्यूजीलैंड सुंदर ही है, तो कितने ग्रीन हरे भरे एरिए में से गुजर रही है ट्रेन, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर का माहौल देखिए ना। ये देखिए इन्होंने पूरा ब्रिज वगैरह बना रखा, पूरा का पूरा सेटअप किया है। ये मुझे ये नहीं लगता कि इन्होंने सिर्फ इन हॉलीडेज जो लॉन्ग वीकेंड चल रहा है उसके लिए सेटअप किया होगा, ये सेटअप तो काफ़ी लंबे समय से किया हुआ है, जब हॉलीडेज होती हैं। एक सुरंग और आ गई, ये देख लीजिए हम एंटर हो रहे हैं, तो जब हॉलीडेज आती हैं तो ये ट्रेन को यहाँ पे ले आते हैं, पर ये सेटअप जो है, जो ट्रैक बने हुए हैं, हमेशा मेरे ख्याल से यहीं पे रहते होंगे, तो क्योंकि एक दिन में तो ये सेटअप हो नहीं सकता, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। देखिए कितने समय से हम चले जा रहे हैं और बीच बीच में मैंने रिकॉर्डिंग बंद भी कर दी है। ये देखिए पूरा जंगल का एरिया उस साइड, तो जैस के बाल आ गए। तो ये देखिए हम उतर गए अब ट्रेन से, ये लेडी हमें उतार के जा रही है। ये ट्रेन थी इस पर हम बैठे थे, हमारे साथ 5-6 और आदमी थे। तो हमारी हो चुकी है अभी ट्रेन राइड भी हमने ले ली यहाँ पे आके, तो ये ट्रेन राइड काफ़ी एक्साइटिंग थी। 20 मिनट लगा दिए होंगे शायद इन्होंने, छोटी छोटी पटरियों पे चलती है फिर। ये देखिए वो जा रही है, ये टिकट थी ट्रेन की टिकट, तो ट्रेन की टिकट बानी की तो नहीं लगी, सहज आपकी और मेरी लगी थी। कितने की थी टिकट? $2 पर पर्सन, $2 ओनली, $2 $6 लगी हम सबकी, काफी सस्ती थी ना, असली वाली ट्रेन तो ये चीप है। देखिए आ रहे हैं सहज तो चली गई पहले, अब आ रही है जैस और बानी। ओ बानी की टक्कर हो गई, ओ दिस वे बट यू गोइंग रॉन्ग।
मैं आ चुका हूँ जी हैवलॉक शहर। हैवलॉक शहर में ही है, अब 5 मिनट की ड्राइव है जहाँ पे वो ट्रेन है। तो मैं अकेला ही यहाँ पे आ गया हूँ क्योंकि बच्चों को एक बार और राइड करनी थी घर जाने से पहले, तो मैंने कहा आप राइड कीजिए। मैंने ना यहाँ पे एक वेबसाइट है ट्रेडमी, वहाँ से मैंने कुछ ख़रीदा था तो मैं वहाँ पे उठाने आ गया हूँ। हैवलॉक में ही है वो रहते यहाँ पे, तो वहाँ से मैं तब तक सामान उठा लेता हूँ। तब तक वो एक राइड जो आधे घंटे की होती है वो और ले लेंगे। तब तक आप देखिए हैवलॉक शहर और इसकी ग्रीनरी देख लीजिए, कितना ग्रीन और क्लीन शहर है। सामने आपको थोड़ा सा जो नीला नीला क्लाउड दिखाई दे रहा होगा, बाकी सब बादल ही हैं। आज बरसात बताई है, आए ना आए ये बरसात की मर्जी, लेकिन बताई ज़रूर गई है। वैसे भी हमें बरसात चाहिए क्योंकि ये समर थोड़ी ड्राई लग रही है। न्यूजीलैंड में समर में कम ही रेन होती है, लेकिन पत्तों का कलर आप देखिए कितना बाहर सुंदर लग रहा है। कुछ तो पूरे येलो येलो ये सो से जो ट्री हैं काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। अब ये देखिए ये ब्रिज क्रॉस करने के साथ ही उस आदमी का घर आ जाएगा और वहां से मुझे सामान उठाना है। आया बच्चों के साथ, हमें भी बीच में बैठने को मिल गया। सिर्फ और सिर्फ जैस ने बताया आपको $2 सिर्फ टिकट थी। अगर आप लोकली कोई देख रहे हैं तो शायद कल भी है ये, हाँ संडे का दिन, अगर हमारा आज वीडियो आ गया। अगर कल आया तो फिर कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आज ही आ जाए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अब चलते हैं घर की ओर। बानी को आई है नींद और सहज ने अपना, देखिए सहज का पूरा खाना पीना चल रहा है मैकडोनल्ड, तो ये आइसक्रीम पता नहीं क्या क्या कहते हैं इसे, संडे संडे, हाँ संडे कहते हैं इसे आइसक्रीम पर फ्लेवर डाल के, हाँ तो वो चल रहा है सहज का। सत श्रीकाल, सहज ने सत श्रीकाल बुला दिया, फिर बुलाओ सत श्रीकाल। तो अब हम वीडियो को करते हैं एंड, तो जल्दी मिलेंगे आपको नए वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन गुड बाय।